नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने देर रात ईरान में ब्लूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर किए हवाई हमले। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज ने कहा कि यह कार्रवाई देश की रक्षा के लिए की गई, ऑपरेशन की सफलता पाकिस्तानी सेना की काबिलियत का सबूत। एयर इंडिया स्पाइस जेट पर 30-30 लाख रुपए का जुर्माना। कोहरे के दौरान ट्रेन पायलट की नहीं लगाई गई थी ड्यूटी, जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 60 फ्लाइटें लेट हुई, जबकि कई फ्लाइटों को किया गया डायवर्ट। इनमें सबसे ज्यादा एयर इंडिया और स्पाइस जेट की फ्लाइटें थी शामिल। मामले की जाँच के बाद दोनों एयरलाइंस के खिलाफ की गई ये कार्रवाई। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री तापमान किया गया दर्ज। एमपी राजस्थान समेत 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। दिल्ली में कोहरे से 18 ट्रेनें लेट। भारत में आधे से ज्यादा राज्य ठंडे और कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आइसलैंड और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की जताई संभावना। डीप फेक कंटेंट रोकने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने तैयार किए नए नियम। इसके मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। भारत में कारोबार भी होगा बंद। नए नियमों के मुताबिक अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डीप फेक कंटेंट को AI के जरिए फिल्टर करने का करेगा काम। डीप फेक कंटेंट डालने वालों पर IPS की धाराओं के तहत दर्ज किया जाएगा मामला। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज। बता दें कि ये केस आरका स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक महिरी दिवाकर और उनकी पत्नी सोभ्या दास ने किया है। धोनी ने इन दोनों के खिलाफ 15 करोड़ की धोखाधड़ी का दर्ज करवाया था मामला। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हरियाणा के 7 जिलों में पुलिस का अलर्ट। नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, यमुनानगर और जींद के सेंसिटिव जोन पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मंदिर और मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों पर पुलिस तैनात। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज और वीडियो डालने वालों पर भी होगी कार्रवाई। आतंकी लखवीर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA कोर्ट ने दिया भगोड़ा करार। अब जमीन जायदाद जब्त करने की तैयारी। कनाडा से चला रहा था आपराधिक गतिविधियां। कोर्ट की ओर से 1 महीने का जारी किया गया था नोटिस। अब प्रॉपर्टी कुर्क करने की तैयारी में कोर्ट। पंजाब हरियाणा में कोहरे से विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर तक। हरियाणा के 16 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में घने कोहरे का कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज। वहीं हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यमुनानगर और पंचकुला में रहेगा येलो अलर्ट। पंजाब में बगावती तेवर दिखाने वालों से निपटेगी कांग्रेस। 16 के प्रदर्शन में नेताओं की गैर हाजिरी। प्रदेश प्रभारी को खली नोटिस देकर मांगेंगे जवाब। बता दें कि पंजाब में लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले कांग्रेस बगावती सुरों पर सख्ती के मूड में आ रही नजर। पार्टी ऐसे नेताओं को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब कर रही, जो पार्टी की लाइन से अलग होकर कर रहे कार्यक्रम। दिल्ली के जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कमरे में शॉर्ट सर्किट से लग गया। कमरे में चल रहा था हीट। आग लगने पर CM ने कमरे में रखी घंटी बजाई, जिस पर पास के कमरे में सो रहा PSO तुरंत पहुंचा और आग को किया कंट्रोल। सच कहूं हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।